नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतें। आने वाला माह त्योहारों का है, इसलिए कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद किया जाए। बाजारों में भीड़ के चलते किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। वहीं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। केंद्र यूपी सरकार ने संस्थाओं पर कब्जा किया है, हम लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ेंगे। आगे सपा प्रमुख ने कहा कि नेताजी चाहते थे कि सपा राष्ट्रीय पार्टी बने, अगली बार पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर मिलेंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरी बीजेपी प्रोपोगेंडा करती है। मां दुर्गा से कामना करते हैं कि सत्ता वाले सच बोलें। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव और सपा नेता जया बच्चन मौजूद रहीं। वहीं सपा प्रमुख ओपी राजभर आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने चुनाव में मेहनत की थी, करीब 300 नेताओं को लेकर मैंने 45 से 46 डिग्री तापमान में मेहनत की थी, उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं है, उन्हें केवल अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद रमाकांत यादव से मिलकर चले जाते हैं। आगे कहा कि वे फिरोजाबाद जाते हैं तो केवल अपनी बिरादरी के यहाँ जाते हैं। आपके बीच में कोई नेता आए और उससे ये सवाल ज़रूर करो कि जब आप सत्ता में रहते हो तो इसको क्यों नहीं कानून बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो गरीबों का इलाज फ्री में करने का कानून क्यों नहीं बनाते हो? वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने पैर मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बता दें कि पीलीभीत में आपने शहीद आजम सरदार भगत सिंह का 115वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। साथ ही पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव पर चर्चा की। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रमुख वक्ता और जिला संगठन सह प्रभारी मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह की याद में उनकी जन्मदिन जो 115वां जन्मदिन है उसकी याद में कार्यक्रम भारत के हर जगह और प्रदेश की हर जगह मनाया गया है, जैसा कि हमारी पार्टी का दिशा निर्देश है। और हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी यहाँ राजनीति करने नहीं आई, समाज की सोच बदलने आई है, समाज की विचारधारा बदलने आई है और समाज के लिए कुछ करने आई है। हम वो नहीं जो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस ही खेलने वाले नहीं हैं। हम समाज बदलने, तो इस पार्टी, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य भगत सिंह के इनकलाबी विचारों को अपने कार्यकर्ता साथियों के, अपने संगठन के और अपने सभी दर्शकों के सामने रखना, तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वहीं पीलीभीत में आगामी नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर तमाम दावेदार अलग अलग पार्टियों से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक तरफ बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ सपा के दावेदार हैं, लेकिन बसपा और कांग्रेस के दावेदारों का अब तक खाता खुला नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस नई नगर पंचायत में कई निर्दलीय नेता भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। देखें, इस समय हम नौगवा पकड़िया नगर पंचायत में हम इस समय मौजूद हैं। बात करें इस नौगवा पकड़िया नगर पंचायत की, तो वर्ष 31 दिसंबर 2019 को नौगवा पकड़िया को ग्राम पंचायत से नौगवा पकड़िया नगर पंचायत इसको घोषित कर दिया गया। पूर्व में ये ललौरी खड़ा ब्लॉक का एक गांव हुआ करता था, जो ग्राम पंचायत में ये शामिल था। वहीं 31 दिसंबर 2019 को इसको नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। वहीं अगर नौगवा पकड़िया की बात की जाए, नौगवा पकड़िया की कुल आबादी जो है करीब 40,000 की प्लस आबादी है। वहीं अगर वोटरों की अगर बात किया, 22 से 25,000 करीब यहाँ पर वोटर हैं। तो पहली बार यहाँ पर जो है नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, नौगवा पकड़िया का जो चुनाव होने जा रहा है। तो वहीं प्रत्याशियों की बात किया तो एक लंबी लिस्ट यहाँ पर नौगवा पकड़िया जो नगर पंचायत है, तो कई जो लिस्ट है यहाँ की वो काफ़ी लंबी है, जिसमें भाजपा से भी कई सारे प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में जो दावेदारी ठोक रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी से भी कई उम्मीदवार यहाँ पर उतरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। भाई बसपा और कांग्रेस की अगर बात की जाए, तो बसपा और कांग्रेस का यहाँ पर कोई भी प्रतिद्वंदी या कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है।
अभी तक घोषित नहीं हुआ है। वहीं अगर बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशियों की, तो निर्दलीय भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं हम इस समय मौजूद हैं, तो हमारे साथ नौगांव पकड़िया के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है इस नगर पंचायत को लेकर? क्या नाम आपका? दीपक। दीपक जी, आप नौगांव पकड़िया के निवासी हैं। हाँ। तो जिस तरीके से नौगांव पकड़िया की हम बात कर रहे हैं, तो नौगांव पकड़िया जो है पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, अब जो है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत को जो है नगर पंचायत में इसको शामिल किया गया है, तो पहली बार यहां पर चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? चुनाव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको भी समझेंगे उसी को वोट देने की बात तो बाद में है। पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके पहले ये ग्राम पंचायत थी, तो यहाँ पे जो है प्रधानी का चुनाव होता था। अब यहाँ पे जो है चेयरमैनी का चुनाव होगा। तो जो पूर्व में जो प्रधान रहे, उन्होंने क्या विकास को लेके काम कराए? अब चूंकि अब जो नगर पंचायत घोषित हो गई है, तो क्या उम्मीद आप लगा के? अभी तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, ना प्रधानी में हुआ किसी का काम, ना अभी तो कोई, जैसे नगर पालिका के अभी तो अंडर में है, मगर अभी कोई रोजगार किसी का कोई कुछ नहीं हो रहा है। पप्पू जी, जिस तरीके से नौगवा पकड़िया की हम बात कर रहे हैं, तो ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी, अब इसको जो है नगर पंचायत में घोषित कर दिया गया। पूर्व की अगर बात किया तो यहाँ पे प्रधानी का चुनाव होता था, पहली बार जो है यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर प्रधानी की बात की जाए, तो प्रधानी के टाइम में जो है क्या विकास को लेकर काम हुए हैं, या जिस तरीके से हमने जो सड़कें देखी, काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, कई सारी गंदगी का अंबार है, तो कहाँ विकास को लेकर क्या काम हुए हैं? विकास को लेकर ये काम हुए हैं, पक्षपात हुआ है अभी तक। गुड्डू प्रधान बने, इससे पहले अशरफ अली थे, उनने जो करा है, उनने अपने अपने एरिए में सिर्फ सफाई करवाई। इस तरीके से नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, पहली बार ये चुनाव होगा, कई सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, भाजपा भी है यहाँ पर, सपा भी है, कई सारे लोग जो हैं उम्मीदवारी यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ काम होगा अगर चुनाव होता है तो? हाँ, भाजपा बनी तो कुछ काम होगा। भाजपा बनी तो काम होगा। हाँ, सपा बनी तो क्या काम होगा? ठीक है, सपा कोई प्रत्याशी है ही नहीं ऐसा। तो क्या कुछ कहेंगे आप नौगांव पकड़िया के बारे में, जैसे विकास की बात चल रही, काम होके में? हमारे इलाके में तो फिलहाल अभी कोई काम नहीं हुआ, जो भी मतलब इन लोगों ने सुविधाएं दी थी उससे तो ज़्यादा और इन लोगों ने और बदतर कर दी है ज़िंदगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये जो रोड है, जब पानी बरसता है तो यहाँ पे कीचड़ हो जाती है। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पहले यहाँ पे जो है नगर ग्राम पंचायत हुआ करती थी, तमाम यहाँ पे प्रधान हुए, तमाम लोग यहाँ पे जो है प्रधानी का चुनाव जीत गए और लोग आए, जनप्रतिनिधि बन के आए, प्रधान बन के आए, लेकिन कोई विकास को लेकर कोई खास काम नहीं हुआ। अब चूंकि यहाँ पर पहली बार जो है नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, तो कुछ उम्मीद जो है यहाँ पर लोग लगाए बैठे हैं कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव के बाद जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीतता है और जो चेयरमैन बनता है, वो कुछ काम कराएगा। पीलीभीत से टीएनपी न्यूज के लिए प्रांजल गुप्ता। नोएडा से साइबर ठगी का मामले सामने आए हैं, जहां साइबर ठगों ने एक महिला और एक पुरुष के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पहला मामला नोएडा के निठारी गांव का है, जहां आरोपियों ने मोबाइल ऐप और क्यूआर कोड के जरिए ठगी को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरा मामला सेक्टर 29 का है, जहां मोबाइल पर एक क्यूआर कोड स्कैन करने के नाम पर महिला के खाते से 64,000 रुपये काट लिए गए। सभी मामलों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सेक्टर 24 में एक व्यक्ति द्वारा अपना मोबाइल बेचने के लिए ओएलएक्स पे एक विज्ञापन दिया गया और वो वीवो मोबाइल खरीदने के लिए एक व्यक्ति ने उसे संपर्क किया, उससे मोबाइल लिया और ये अपने मोबाइल पे दिखाया कि उसने पेमेंट कर दिया है। उसने एक फर्जी क्यूआर कोड जनरेट किया और जो बेचने वाला था उसे लगा उसका पेमेंट हो गया है, लेकिन बाद में उसके द्वारा चेक किया गया तो कोई पेमेंट नहीं हुआ था। उसकी कंप्लेन पे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जब उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि YouTube के माध्यम से उसने फर्जी QR कोड कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे पेमेंट दिखाया जाता है, इसके बारे में जानकारी करके और इस प्रकार से उसने फोर्जरी किया है। बदायूं जिले में बंदरों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। मामला गंगा एक्सप्रेसवे पर बने ऑफिस का है, जहां बंदरों ने ऑफिस की खिड़की में लगे कांच को तोड़कर अंदर रखी हुई फाइलों को फाड़ दिया। इतना ही नहीं, बंदरों ने ऑफिस में रखे कंप्यूटर और प्रिंटर को भी तोड़ दिया। अगले दिन जब अधिकारी ऑफिस में पहुंचे तो अंदर का नजारा देख हैरान रह गए। वहीं इस मामले में अधिकारी ने कहा कि शीशा टूटा होने के चलते बंदर अंदर आ गया और सारा सामान नस्तनाबूत कर दिया। ऑफिस को दोबारा से ठीक कराया जा रहा है। मतलब ये तोड़ के आए थे,
तो क्या नुकसान कर दिया उनने? रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, कहाँ कहाँ का रिकॉर्ड था? गंगा एक्सप्रेस वे का ग्लास तोड़ करके अपने कुछ बंदे घुस गए, घुस करके उन्होंने तमाम कई फाइलों का उन्होंने फाइलों को उन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट क्या कर दिया, सब सब कर दिया, फाइलें फाड़ दिया, सब शक कर दिया। कुछ फाइलें हमारी ख़राब हुई उसको हम ठीक करवा रहे हैं, और कंप्यूटर भी तोड़ फोड़ दिया, ड्राइव मशीन भी डैमेज कर दिया। बंदों का झुंड संडे को उसमें घुस गया था छुट्टी के दिन में। बंदर को झुंड सर कैसे कार्यालय में मतलब घुस गया? वो खिड़की खिड़की का चीज़ा तोड़ करके उन्होंने खिड़की में ग्रिल में थोड़ा जगह था, ग्रिल में थोड़ा सा स्पेस था, नॉर्मल स्पेस था, बट उसी में से बंद घुस गया। संबंध में आपकी तरफ से कुछ आगे कार्रवाई वगैरह? कार्रवाई कर दी गई, खिड़कियों में जाल लगा दिया गया ताकि दोबारा घुसने से घटना ना हो, खिड़कियों में फिक्स जाल लगाया जा रहा। चलिए फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। शाहजहांपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। मामला थाना बंडा के खंड विकास कार्यालय का है, जहां जिले में विकास ना होने की वजह से एक युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर युवक को टावर से उतारा गया। वहीं बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना वजीरगंज क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार दो लोगों को बस ने टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, साथ ही उसके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये अपनी बुआ के यहाँ जा रहे थे और वजीरगंज पर रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, इस पर उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। कौन कौन लोग था? एक किशनपाल नाम के थे और एक राम सज्जन नाम के थे। ये कौन है आपस में दोनों लोग? ये दोस्ती थी आपस में इनकी। आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। कोरोना काल में काफी वक्त तक बंद रहने के बाद साल 2021-22 में ताजमहल का दीदार सबसे अधिक स्वदेशी पर्यटकों ने किया है, जिसकी जानकारी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट में दी गई है। बता दें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल ताजमहल 2021-22 में घरेलू पर्यटकों के लिए केंद्र द्वारा संरक्षित उन सबसे अधिक लोकप्रिय 10 स्थानों में शामिल है, जहां पर जाने के लिए आपको प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।